हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे वीडियो में, जिस पर क्वेश्चन के आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे एमसीक्यू के थ्रू। तो शुरू करते हैं बिना देर के। उधर पहला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, केंद्र सरकार ने राजीव कुमार की जगह नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा सुमन के बेरी। ओके, न्यूज़ आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में। तो नीति आयोग के बारे में शॉर्ट में आपको इन्फॉर्म कर दूँ, नीति आयोग जो है वो भारत सरकार का प्रमुख थिंक टैंक है नीतिगत, और ये सरकार को पॉलिसी और डायरेक्शनल इनपुट देता है। भारत सरकार के लिए स्ट्रेटजिक और लॉन्ग टर्म पॉलिसी और प्रोग्राम भी बनाता है। इसके अलावा केंद्र और राज्यों को जरूरी टेक्निकल एडवाइजरी भी देता है। ओके, तो इससे पहले कौन थे इसके वाइस चेयरपर्सन? वैसे चेयरपर्सन कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ओके, जो कि अभी नरेंद्र मोदी हैं, और वाइस चेयरपर्सन ये एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सारा दामोदर जो भी काम है वो वाइस चेयरमैन के हाथ में होता है। तो पहले राजीव कुमार थे और 22 अप्रैल को उन्होंने नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और सरकार ने स्वीकार भी कर लिया। नीति आयोग के ये सेकंड वाइस चेयरपर्सन थे। ओके, और 2017 में अपॉइंट हुए थे, और फिलहाल इनके हटने का या इस्तीफा देने का कारण ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। तो इसी के बाद ही 22 अप्रैल को कैबिनेट की जो नियुक्ति समिति है उसने सुमन के बेरी उनको नया उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया। ओके, हालांकि वो 1 मई 2022 से और अगले आदेश तक के लिए इस पद पर रहेंगे, और फिलहाल उनको बेरी को 30 अप्रैल तक के लिए नीति आयोग का सदस्य बना दिया गया, और प्रभार दे दिया है, और ऑफिशियल वो उपाध्यक्ष हो जाएंगे 1 मई से। ओके, इनके बारे में बताऊं शॉर्ट में, सुमन के बेरी, क्योंकि ये सरकार के सबसे बड़े थिंक टैंक या फिर कहें सबसे बड़े आयोग के ये उपाध्यक्ष बने हैं, तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। तो ये इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, वर्ल्ड बैंक में काम कर चुके हैं, और 10 वर्षों तक यानी 2001 से 2011 तक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च यानी NCAER उसके डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। उसके बाद वो शेल इंटरनेशनल है द हेग नीदरलैंड में, वहाँ पर वो चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं, और प्रधानमंत्री के जो आर्थिक सलाहकार परिषद है, सांख्यिकी आयोग है, मौद्रिक नीति पर जो RBI की टेक्निकल सलाहकार समिति है उसके भी मेंबर वो रह चुके हैं। ओके, तो अभी अप्रैल में ये तीसरे वाइस चेयरपर्सन नियुक्त कर दिए गए हैं और 1 मई को प्रभार ले लेंगे। पूरी बात समझ गए होंगे आप। नीति आयोग इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, पहले योजना आयोग था उसी की जगह पर इसको स्थापित किया गया था 1 जनवरी 2015 को। ओके, हेडक्वार्टर दिल्ली में है, चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, और CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीति आयोग के अमिताभ कांत, और पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगढ़िया, दूसरे उपाध्यक्ष राजीव कुमार, और तीसरे उपाध्यक्ष सुमन के बेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने देश का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार यानी प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा अजय कुमार सूद। ओके, न्यूज़ आप देख रहे हैं द हिंदू में, AK सूद, और केंद्रीय कैबिनेट की जो प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में होती है कैबिनेट, तो उसकी नियुक्ति समिति है, तो उसी ने ये फैसला किया। तो प्रोफेसर अजय कुमार सूद, ये फोटोग्राफ रहा इनका, और ये पहले विज्ञान प्रौद्योगिकी और जो इनोवेशन के जो सलाहकार परिषद है उसके ये मेंबर अभी हैं देश की। ओके, और IISc बेंगलुरु में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, तो वहाँ पे फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, और इनकी नियुक्ति प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र के रूप में अगले 3 साल के लिए की गई है। इन्हें वर्ष 2013 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ओके, किसके जगह ले रहे हैं ये? पहले कौन थे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र भारत के? तो वो थे विजय राघवन, जीव विज्ञानी, एमिनेंट बायोलॉजिस्ट थे वो, तो उनकी जगह इन्होंने लिया है। अच्छा, क्या काम होता है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र का? तो इनका काम या फिर कहीं इनके पूरे दफ्तर का काम कई जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उन सब के साथ मिलकर टेक्निकल पॉलिसी को कोऑर्डिनेट करने का काम होता है, और ये एडवाइस देते हैं जो भी वैज्ञानिक चीज़ें हैं उन सब पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं।
खिलाड़ी किरण पोलार्ड, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तो वो किस टीम के खिलाड़ी हैं, कौन सी टीम? यहाँ हम देश नहीं कह सकते, तो इसका आंसर होगा वेस्ट इंडीज़। ओके, यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है, न्यूजीलैंड एक कंट्री है, नेशन है, श्रीलंका एक नेशन है या कंट्री है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ जो है वो नेशन नहीं है न कंट्री है, वो ग्रुप ऑफ नेशंस है। ओके, तो वेस्ट इंडीज़ का सही आंसर होगा, और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, तो इंटरनेशनल क्रिकेट से उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, फोटोग्राफ ये रहा, और ये मूलतः किस देश के नागरिक हैं, तो त्रिनिदाद। ओके, मैंने पहले बताया वेस्ट इंडीज़ कोई कंट्री नहीं है बल्कि ग्रुप ऑफ नेशंस है। एक बार मैप के थ्रू आपको समझाते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। प्यारा भारत था उधर, और ये रहा, ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है, और उसी के बीच में यहाँ का जो ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये 13 देशों का एक समूह है। ये 13 देश कौन कौन से? आइलैंड कंट्री है। ओके, तीन देशों का एक समूह है जिसको कहते हैं वेस्ट इंडीज़। कई सारे लोग वेस्ट इंडीज़ को एक कंट्री मान लेते हैं, लेकिन ये नहीं है, एग्जामिनेशन में हो सकता है इससे एक नंबर आपका कट जाए, तो ये ध्यान रखने की बात है। ओके, अगर और जूम करके चले तो त्रिनिदाद कहाँ है? यहाँ पर है। ओके, इस जगह पर है, और ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे कंट्री मिलकर होते हैं वेस्ट इंडीज़। ओके, और सभी देश मिलकर, इन 13 देश मिलकर एक टीम तैयार करते हैं क्रिकेट के लिए, और वेस्ट इंडीज़ टीम के नाम से ही खेलते हैं। तो अब बात करने किरण पोलार्ड की, उन्होंने 2007 में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था, पहला वनडे मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था, और आखिरी वनडे मैच उन्होंने अहमदाबाद में इंडिया में 6 फरवरी 2022 को भारत के खिलाफ खेला। फिलहाल वो IPL में खेल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, उससे पहले इन्फॉर्म कर दूं कि अप्रैल सेकेंड वीक का भी जो करंट अफेयर्स का PDF वो अवेलेबल हो चुका है, आप देख रहे हैं। अब पूरे 3 महीने का तो है, जनवरी फरवरी मार्च का, इसके अलावा अप्रैल के फर्स्ट वीक फिर सेकेंड वीक का भी PDF अवेलेबल हो चुका है, तो आप देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF अवेलेबल है। ओके, और वो लोग डाउनलोड कर सकते हैं जिन्होंने मेंबरशिप लिया है, 1 ईयर का मेंबरशिप है, अभी लेते हैं तो अगले 1 साल तक आप मेंबरशिप रहेगा आपका, और इसके थ्रू आपको करंट अफेयर्स का PDF मिलता है हर सप्ताह, हर महीने, और इस तरह से पूरे साल और पिछले सालों के भी। वीकली मॉक टेस्ट हम लोग करते हैं एवरी संडे को, तो कल संडे है और ये वीकली मॉक टेस्ट होगा, मॉर्निंग को ही आप पार्टिसिपेट करना जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ। एग्ज़ाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज भी होता है, और बुक्स पर डिस्काउंट भी है, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, और दोस्तों पसंद आ रहा हो ये वीडियो लाइक बटन जोर दबा देना, शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को। चलिए क्वेश्चन होगा, UGC और AICTE तो उसने भारतीय छात्रों को किस पड़ोसी देश के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन न लेने की चेतावनी जारी की है? आंसर होगा पाकिस्तान। ओके, UGC का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, हिंदी में कहते हैं इसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो इसने, और AICTE उसका फुल फॉर्म क्या होगा? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, तो उसी दोनों ने मिलकर ये एडवाइजरी है इसको जारी किया है, ये आप देख रहे हैं मेरे बगल में, और इसमें साफ साफ क्या लिखा हुआ है पूरे एडवाइजरी में, यही लिखा है कि सभी भारतीय छात्रों को सलाह दी जाती है कि वो हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए पाकिस्तान की यात्रा न करें। अगर भारतीय नागरिक या प्रवासी भारतीय नागरिक, यानी इंडियन सिटीजन या NRI, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं पाकिस्तान में और डिग्री लेते हैं, तो इस आधार पर भारत में नौकरी और हायर एजुकेशन के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, यहाँ पर सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, और प्राइवेट नौकरी में भी दिक्कत होगी अगर पाकिस्तान से डिग्री लिया है तो। हालांकि एक छूट इसमें दी गई है यहाँ पर, और इसमें लिखा हुआ है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए हैं उनको छूट मिलेगी, यानी प्रवासी और उनके बच्चों को छूट मिलेगी जिन्होंने पाकिस्तान में हायर एजुकेशन डिग्री हासिल की
और बाद में वो इंडिया आ गए और इंडिया में उनको नागरिकता दी गई है। तो गृह मंत्रालय की सुरक्षा मंजूरी के बाद वो भारत में रोजगार पाने के लिए पात्र होंगे। क्लियर होगी बात? तो पाकिस्तान को लेकर ये एडवाइजरी जारी हुई है, पाकिस्तान मैप में यह रहा। ओके, अच्छा, पिछले महीने मार्च में चीन को लेकर भी एडवाइजरी जारी हुई थी UGC और AICTE के द्वारा कि वो चीन में एडमिशन ना लें। लेकिन वो एडवाइजरी ऐसा नहीं था कि आप वहाँ से डिग्री लेकर आएंगे और यहाँ नौकरी नहीं मिली। दरअसल COVID-19 महामारी की वजह से चूँकि वहाँ पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो गया है, तो इसलिए सरकार ने कहा था कि आप ऑनलाइन डिग्री नहीं लेंगे। ओके, आप जाके वहाँ पढ़िए, और अगर आपको वहाँ नहीं जाने में, चूँकि वहाँ COVID-19 की वजह से बहुत सारी बंदिशें हैं चाइना में, तो इस वजह से सरकार ने ये कहा कि आप ऑनलाइन डिग्री पढ़ाई नहीं करेंगे, बल्कि आप वहाँ जाके पढ़िए, और नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एडमिशन मत लीजिए। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 22 अप्रैल को। ओके, और इस बार की थीम क्या है? हमारी पृथ्वी में निवेश करें, इन्वेस्ट आवर प्लैनेट। ओके, ये है हमारी इस बार का थीम, और 22 अप्रैल को ये आयोजित होता है, कल ही आयोजित हुआ है ये अर्थ डे। एक इम्पॉर्टेंट ये डे है, और करोड़ों लोगों को पृथ्वी से जुड़ी जो पर्यावरण की चुनौतियां हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, जैव विविधता, तो इन सब के प्रति जागरूकता के लिए ये दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे। 192 देशों के द्वारा मनाया जाता है। शुरुआत कैसे हुई थी? तो 1960-70 के दशक में जंगलों और पेड़ों की जो अंधाधुंध कटाई हुई, तो उसी के बाद 1969 में अमेरिका में एक सम्मेलन हुआ, और वहाँ पर इसको मनाने की घोषणा की गई थी, और फिर पूरी दुनिया में ये दिवस मनाया जाने लगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये डे बन गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर किस किले में समारोह के दौरान स्मारक सिक्का जारी किया 400 रुपये का? आंसर होगा लाल किला। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, 400वां बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया है, और इस दौरान 21 अप्रैल को ये समारोह हुआ, और लाल किले पर पूरे सजा दिया गया लेजर शो के जरिए। आप ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये लाल किले का है। तो लाल किले में एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया, पूरे देश में आयोजित किया गया, लेकिन एक बड़ा समारोह लाल किले पर आयोजित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लाल किले के पास ही गुरु तेग बहादुर जी के अमर बलिदान का प्रतीक गुरुद्वारा शीशगंज साहिब वो भी मौजूद है, और औरंगजेब की अतताई जो सोच थी उसके सामने गुरु तेग बहादुर जी हिंद की चादर बनकर एक चट्टान की तरह खड़े हो गए थे। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये स्मारक सिक्का जारी किया, ये 400 रुपये का ये सिक्का है। तो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि कितने रुपए का सिक्का जारी किया। कई बार जब मैं रिव्यू करता रहा हूँ एग्जामिनेशंस के, तो उस दौरान ये क्वेश्चन मिले हैं। ओके, तो 400 रुपये का सिक्का है, और डाक टिकट भी जारी किया गया है। ओके, गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे, उनका जन्म हुआ था 21 अप्रैल 1621 को। ओके, गुरु गोविंद सिंह के वो पिता थे, और आपको बताऊं कि गुरु तेग बहादुर जब केवल 13 वर्ष के थे, तब उन्होंने एक मुग़ल सरदार के खिलाफ लड़ाई में खुद को प्रतिष्ठित किया था, अपनी एक पैठ बनाई थी, और सिख परंपरा के अनुसार सिख धर्म की स्थापना जो है गुरु नानक देव के द्वारा की गई थी। बाद में 9 अन्य गुरु थे, ओके, टोटल 10 गुरु सिख धर्म में थे हैं। ओके, तो कौन कौन से? गुरु नानक देव पहले गुरु थे, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोबिंद, गुरु हर राय, गुरु हर किशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोबिंद सिंह। ओके, गुरु गोबिंद सिंह मानव रूप में अंतिम सिख गुरु थे, और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिखों का के गुरु के रूप में नामित कर दिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF
तो उसे किस पड़ोसी देश के लिए सहायता प्रदान करने का आग्रह किया है, जाकर मिली है वो? आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका बहुत बुरे हालात में से गुजर रहा है और उस पर कर्ज कितना है, 51 अरब अमेरिकी डॉलर का, और उसको चुकाने की स्थिति में नहीं है, वो मना कर चुका है और दिवालिया हो चुका है श्रीलंका। तो ऐसे में श्रीलंका ने IMF से यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से 4 अरब अमेरिकी डॉलर के आर्थिक पैकेज की मांग की है। ओके, तो उसी मांग को और मजबूत करने के लिए भारत की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, वो पहुंची IMF के पास, और उसकी जो डायरेक्टर जनरल हैं क्रिस्टीना जॉर्जिएवा, तो उनसे मिलकर उन्होंने कहा कि श्रीलंका को तुरंत राहत प्रदान करना चाहिए। आपको पता होगा कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है वो जो कर्ज से डूबे हुए देश होते हैं, जो बर्बाद देश होते हैं, उनको उबारने का काम करता है, और वर्ल्ड बैंक क्या काम करता है, वर्ल्ड बैंक विकास योजनाओं के लिए पैसे देता है जो कि डेवलपिंग कंट्री है या डेवलप्ड कंट्री है उसको। ओके, तो श्रीलंका आर्थिक संकट में है और भारत की वित्त मंत्री वहाँ पहुँची और एक मजबूत पड़ोसी देश की भूमिका में वो नजर आई। ओके, और क्रिस्टीना जॉर्जिएवा, उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि IMF श्रीलंका के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा रहेगा। दरअसल हुआ ये है कि श्रीलंका जब IMF के पास गया तो IMF ने कहा कि पहले आपके पास जो कर्ज है, जितना बहुत बड़ा कर्ज है, तो उसको पहले रीस्ट्रक्चर कीजिए, और रीस्ट्रक्चर करना बहुत ही कठिन होता है, तो इसलिए भारत ने भी दबाव डाला है। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, पिछले 3 महीने से श्रीलंका की बहुत बुरी दशा है और भारत ने उसको काफ़ी सहायता प्रदान की है, करीब $2.5 बिलियन की सहायता प्रदान की है, तेल भेजा है इंडिया ने, फूड भेजा है वहाँ पर। ये मैप में ये रहा श्रीलंका। ओके, श्रीलंका में महंगाई बहुत बुरे दौर पे है और वहाँ दो भाई हैं, एक राष्ट्रपति हैं, एक प्राइम मिनिस्टर हैं। राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे और प्राइम मिनिस्टर हैं महिंदा राजपक्षे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने फसल वर्ष 2022-23 के लिए, या कहें वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा है? आंसर होगा 32.8 करोड़ टन। ठीक है, न्यूज़ आप देख रहे हैं, 328 मिलियन टन, उसको कहेंगे 32.8 करोड़ टन कहेंगे। ओके, तो कुल खाद्यान्न उत्पादन का टारगेट तो यही है, और इसमें दलहन का उत्पादन का टारगेट है 2.95 करोड़ टन, तिलहन का है 4.13 करोड़ टन। ओके, और ये जानकारी जो है वो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, तो उन्होंने न्यू दिल्ली में कृषि के लिए खरीफ अभियान 2022-23 पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, तो उसी के उद्घाटन समारोह के दौरान ये बातें कही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, और पूरा जो भी बता रहा हूँ सब डिटेल PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डेली का PDF फ्री होता है, तो डिस्क्रिप्शन देख कर आप ले सकते हो। अगला क्वेश्चन होगा, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट ने किस देश के खिलाड़ियों के खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? बड़ा फैसला हुआ है, विंबलडन बहुत बड़ा एक आयोजन होता है, टेनिस चैम्पियनशिप होता है। आंसर होगा रूस और बेलारूस। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं PBC स्पोर्ट्स का, तो यूक्रेन पर जो हमला हुआ है उसके चलते रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों को बैन कर दिया गया। हालांकि इसके खिलाफ आवाज़ भी उठ रही है कि ये बैन इलीगल है, उन खिलाड़ियों का क्या दोष है? ओके, दरअसल अब रूस पर तो ये कह सकते हैं कि रूस ने वहाँ पर हमला किया है यूक्रेन पर। ओके, ये रहा रूस, और यहाँ है ये बेलारूस। रूस रशिया तो बहुत बड़ा है, और ये रहा यहाँ पर बेलारूस, ये यूक्रेन है यहाँ पर, और इसी के आसपास अन्य जो यूरोपीय देश हैं वो सब हैं। तो इन दोनों देशों के जो खिलाड़ी हैं, इन दोनों के खिलाड़ियों को विंबलडन में खेलने से मना कर दिया गया। ओके, कब से कब तक है ये? 27 जून से 10 जुलाई के बीच में लंदन में ये खेला जाएगा, यूनाइटेड किंगडम में। ऑल इंग्लैंड क्लब, तो उसने इन दोनों देशों के खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ओके, विंबलडन
इसकी स्थापना कब हुई थी इस चैंपियनशिप की, 1877 में लंदन में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष को शीर्ष स्थान मिला है, तो उनका नाम बताएं कौन है। आंसर होगा डॉक्टर साइरस एस पूनावाला। ये फोटोग्राफ भी आप देख रहे हैं, ओके। तो पूनावाला हेल्थ केयर सेक्टर में अब सबसे अमीर अरबपति हो गए हैं। यहाँ जो बात हो रही है वो हेल्थ केयर रिच लिस्ट की हो रही है, सभी अमीर लोगों की बात नहीं हो रही है, ओके। तो इनके पास $26 बिलियन की संपत्ति है। दुनिया भर में बहुत सारी जो फार्मा कंपनियों के जो प्लांट हैं उन सब के ये मालिक हैं, और बाकी फार्मा कंपनियों के मालिकों को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है, ओके। और अभी हाल ही में ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर आए हैं बोरिस जॉनसन इंडिया में, उन्होंने ये कहा भी कि हमने मेड इन इंडिया वैक्सीन लगवाया है। और ये साइरस पूनावाला के जो लैब है वहाँ से निकला हुआ वैक्सीन था, ओके। तो टॉप जो अमीर हैं और फार्मा कंपनी में, तो वो सब ये रहे, पूरी लिस्ट है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया है। और हाँ, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा हुआ है, जो भी एग्रीमेंट हुए हैं, उस पर कल संडे को आपको वीडियो मिल जाएगा करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अब मिलते हैं कल। और रोजगार समाचार भी देखना, कल इवनिंग को, संडे इवनिंग को आता है।